मुरादाबाद रेलवे डिवीजन को ठंड के कारण लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। दिसंबर माह में कोहरा और ठंड के कारण लगभग 20,000 ट्रेनें रद्द की गईं, तो लगभग 125 करोड़ रुपए रेलवे को वापस करना पड़ा। सर्दी में कोहरे के कारण यात्रियों और रेलवे दोनों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ट्रेन लेट होने के कारण यात्री परेशान हो रहे हैं, अपना टिकट रद्द करा रहे हैं, इससे रेलवे को हर माह नुकसान झेलना पड़ रहा है। दिसंबर 2023 के माह में मुरादाबाद रेल मंडल को लगभग 20,000 यात्रियों के टिकट वापस करने पड़े। जो ट्रेनें पहले से चल रही थीं या जिनकी डिमांड कम थी, उन ट्रेनों को सिलेक्ट करके फॉग के कारण कैंसिल कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी यात्रियों ने टिकट खरीदे। लगभग 20,000 टिकट खरीदे गए, उन्हें यात्रियों के द्वारा कैंसिल कराए गए। टिकट कैंसिल कराने की वजह से रेलवे को लगभग 125 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और सबसे ज़्यादा टिकट बरेली यात्रियों ने कैंसिल कराए। लगभग 4,200 यात्रियों ने अपने टिकट रद्द कराए। रेलवे ने बरेली स्टेशन से 4,230 टिकट रद्द कराए। देहरादून में 2,488 टिकट रद्द कराए गए। मुरादाबाद में 3,239 टिकट रद्द कराए गए। हरिद्वार रेलवे स्टेशन में 3,917 टिकट यात्रियों ने रद्द कराए। अभी मार्च तक 42 ट्रेनें रेलवे के द्वारा रद्द कर दी गई हैं। साथ ही 20,000 यात्रियों ने अपने टिकट रद्द कराए हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को 1,22,00,000 रुपए रेलवे को वापस लौटाने पड़े। रेलवे का ये नुकसान अभी आगे भी बढ़ने की आशंका है। यदि कोहरा इसी तरह से अपने चरम पर रहा तो आगे भी ट्रेनें लेट होंगी और यात्रियों के द्वारा टिकट भी रद्द कराए जाने की संभावना है। देखिए, ये जो ट्रेनें पहले चल रही थी फाग में, हम लोगों ने उसमें जिसमें लो ऑक्यूपेंसी थी या जिसकी डिमांड कम थी, ऐसी ट्रेनों को सेलेक्ट करके फाग से पहले कैंसिल कर दिया था। लेकिन फिर भी बहुत सारे यात्रियों ने उसमें टिकट लिए थे, तो वो टिकट लगभग 22,000 के आसपास के टिकट जो हैं, 20,000 पैसेंजर ने टिकट लगभग कैंसिल कराए हैं, मतलब दिसंबर के महीने में। ये आंकड़ा केवल दिसंबर के महीने का है कि जो ट्रेनें ऑलरेडी मतलब इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, जिनके टिकट बन चुके थे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो 20,000 लोगों ने टिकट दिसंबर महीने में कैंसिल कराए या ऑटोमेटिक कैंसिल बहुत का इसमें से हो गया, क्योंकि ट्रेन कैंसिल थी तो ऑटोमेटिक रिफंड ई टिकट वालों को तो मिल जाता है, लेकिन जो पेपर टिकट वाले थे उन्होंने अपना आके रिफंड लिया और इससे लगभग 125 करोड़ रुपए रिफंड के रूप में हमको देने पड़े। तो हम कह सकते हैं कि कोहरे के वजह से, या मतलब मेन कारण कोहरा ही रहा जिसकी वजह से लोगों ने अपना टिकट कैंसिल कराया, या तो ट्रेन कैंसिल होने की वजह से, या कुछ इसमें है कि जिनका पहले से प्रोग्राम निर्धारित होता है लेकिन वो नहीं जाना चाहते हैं, वो भी इस पूरे आंकड़े में उनके भी नंबर शामिल हैं। तो दोनों तरीके से हम मतलब ये नुकसान है रेलवे का, जो कि पहले से आए उसके खाते में आ चुकी थी, वो वापस करना पड़ता है। लगभग किन किन स्टेशन से ऐसे कितने कितने टिकट इसमें? देखिए, जो मेजर स्टेशन है हमारे, टर्मिनल हैं, बरेली है, देहरादून है, हरिद्वार है, तो लगभग मतलब सबसे ज़्यादा टिकट मतलब बरेली से जो आंकड़ा अभी तक का दिसंबर का है वो कैंसिल हुए हैं, वहाँ से टिकट रिफंड गए हैं उनके अकाउंट में। तो क्योंकि मेन लाइन पे का स्टेशन है, जो दूर से भी ट्रेनें आती हैं, मतलब हमारे डिवीज़न की नहीं ओरिजिनेट होती हैं, वो भी ट्रेनें हैं। ट्रेनें पहले इंट्रोड्यूस थी, प्लान में थी, लेकिन उनकी ऑक्यूपेंसी देख के जब कैंसिल किया गया तो उन पैसेंजरों को रिफंड देना पड़ा। ऐसे पैसेंजर लगभग बरेली से ही 3200 के आसपास 4200 के आसपास पैसेंजर थे, इन्होंने अपना दिसंबर में रिफंड लिया। टोटल कितनी अमाउंट है सर जिनका रिफंड हुआ? लगभग 1,22,000 से 25,00,000 के आसपास है, 125 करोड़ इसलिए लमसम हम अप्रॉक्स बोल सकते हैं। तो ये आंकड़े तो मतलब अलग अलग तरीके से होते हैं, बहुत सारे इसमें फैक्टर होते हैं। लोग कुछ मतलब अपनी पहले से ही टिकट करा लेते हैं, लेकिन अगर यात्रा नहीं करनी रहती है तो सेफ्टी के लिए उसको फिर कैंसिल करा लेते हैं। इस तरह के भी आंकड़े इसमें शामिल रहते हैं। थैंक यू।